यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं हुमानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स उन एग्ज़ाम के लिए जो कि फरवरी या उसके बाद में होने वाले हैं फरवरी 2024 के बाद के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए आप इसको सीधा रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि है एग्जाम में आएंगे खासतौर से आर ओ के लिए तो ये वरदान साबित होगा ठीक आ जाते हैं वहीं से मैं शुरुआत करता हूं जहां पे मेरा वीडियो रुका हुआ था तो आज मैं वैज्ञानिक परिदृश्य से शुरू कर रहा हूं पहला प्रश्न है पंद्रह दिसंबर को डीआरडीओ ने स्वदेशी मतलब भारत में विकसित हाई स्पीड वाले मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनोटिकल टेस्ट रेंज से ठीक है ना याद रखिएगा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है कहाँ पे चित्रदुर्ग में वो चित्रदुर्ग है कर्नाटका में दिसंबर में ही लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखिएगा सबसे तेज जैसे मैंने बोला ना करंट अफेयर्स में वो करंट अफेयर्स ज़रूरी हैं जहाँ सबसे तेज भारत का पहला विश्व का पहला देश में पहला या फिर सबसे तेज़ सबसे ऊँचा सबसे नीचा ये सब प्रश्न हो तो इसका मतलब वो प्रॉबिबिलिटी अपने आप हाई हो जाती है एग्जाम में आने की अगला आ जाइए सात दिसंबर का ये अगला करंट अफेयर्स है सात दिसंबर को सेना सामरिक बल कमान द्वारा अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से ये क्या कर सकता है तो ये सतह से सतह पर मार सकता है सात सौ लेके बारह सौ किलोमीटर तक इसकी रेंज है फिर आ जाइए अगला करंट अफेयर चौदह दिसंबर को ही नौसेना ने डॉकयार्ड विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में हमले के लिए सक्षम हमला कर त्वरित प्रतिक्रिया और हमला करने के लिए सक्षम जो पोत है वो क्या है तार मुगली तार मुगली ठीक है अगला इस युद्ध पोत की विशेषता यह है कि त्रिकांत श्रेणी का त्वरित हमले करने में एक सक्षम पोत है ठीक अगला जाइए नेक्स्ट ग्यारह दिसंबर को देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या है देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुआ यह केंद्र किसके साझेदारी के साथ स्थापित किया गया है तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पद विजेता प्रसिद्ध अभिनव अभिनविंद्रा के साझेदारी में दिसंबर में ही किस देश ने मिश्र के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मिश्र अंतरिक्ष में लॉन्च किया तो वो है कौन वो है चाइना चाइना मिश्र के साथ में फिर आ जाइए दिसंबर 2023 में ही किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की अमृत तकनीक किसकी है आई मद्रास की है मैं आपको बता दूं भारत में आई मद्रास नंबर वन पोजीशन पे रहता है आमतौर पे आई मद्रास आई मुंबई और आई दिल्ली ये तीन आई रिसर्च के फील्ड में सबसे आगे रहते हैं ठीक अगला आ जाइए दिसंबर 2023 को दुबई के को दुबई में जो UAE है वहां पे यूएपी दो हजारी अट्ठाइस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित तो। और पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो यूपी पीसी आर ओ वर में जरूर आ जाते हैं ठीक तो सी ओ पी अट्ठाइस में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के साथ किस संगठन ने युवाओं को जमीनी स्तर के पर्यावरणीय कार्य में शामिल होने के लिए ग्रीन राइजिंग पहला लॉन्च लॉन्च पहल किए तो यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने ठीक है ना दिसंबर में किस राज्य की लाकदोंग हल्दी को लाकदोंग लकदोंग हल्दी को जीआई टैग मिला तो मेघालय की लकदोंग हल्दी को दिसंबर में ही किस देश ने विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जे टी के साथ लॉन्च किया जापान ने अब बताइए क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है देख के ही आप समझ जाएंगे अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप देख के समझ जाएंगे कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रश्न नहीं है दिसंबर 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल मिशन पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति अब बताइए क्या इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आ सकता है किन दो संस्थानों ने ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास को बढ़ावा देने के लिए ए आई अलायंस लॉन्च किया मेटा और आई बी एम ठीक है ना दोनों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैं सॉरी दोनों मेटा <coughs> का मतलब फेसबुक दिसंबर 2023 में कंपनी ने किस कंपनी ने अब तक का सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी लॉन्च किया तो गूगल ने लॉन्च किया ठीक है ना सबसे उन्नत अगला रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया गया गजराज सुरक्षा कवच ये एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है आप मेरी बात को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में कन्फर्म आ सकते हैं दिसंबर 2023 में फास्टर 2.0 नाम से पोर्टल किसने लॉन्च किया तो हा सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में भारत के पहले टेलीकॉम सेंटर अब पता प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं बिल्कुल नवंबर 2023 में भारत के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया जाना है सहारनपुर यूपी तीन सौ प्रतिशत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कितना प्रतिशत तीन सौ परसेंट कन्फर्म आ सकता है दो तो हजार तेईस नवम्बर में मोदी जी ने किस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने तेजस को उड़ाया इम्पोर्टेंट प्रश्न किस संगठन द्वारा अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक खतरा बताया स्वास्थ्य खतरा तो वो डब्ल्यू ने बताया 2023 के नवंबर में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से यह भी सतह से सतह पर मार करता है और डेढ़ सौ से पाँच सौ मीटर किलोमीटर सॉरी इसकी रेंज है अगला छः नवंबर को नौसेना के कि किस नवीनतम स्वदेशी एवं निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत का अनावरण हुआ तो सूरत युद्धपोत सूरत का अनावरण हुआ ठीक है ना अगला आ जाइए कहा से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ बंगाल की खाड़ी से हुआ ठीक है नवंबर में कौन सी नागरिक डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थाई ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली कंपनी बनी अस्थाई ड्रोन लाइसेंस पाने वाली थ्रोटल एयरोपेस सिस्टम इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पहली है प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू किया गया डी डी ने हाल में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट कुशा इसके द्वारा वायु रक्षा प्रणाली हित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एल आर एस ए एम एल आर एस एम का विकास किया जा रहा है किस विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2023 में अपना स्वयं का नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की तो वो है ए एम यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी का है इसलिए आ सकता है हिमाचल प्रदेश से क्या संबंध है किस राज्य में भारतीय सेना के लिए पहली वर्टिकल विंड टनल वर्टिकल विंड टनल किसके लिए भारतीय सेना के लिए भारत में कहाँ बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है तो वर्ष 2024 तक रखा गया है किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम विकसित किया गया तो आई, आई, आई बेंगलोर आई, आई किस राज्य का तट मंदिर किस राज्य का तट मंदिर मतलब महाबलीपुरम शोर मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना तमिलनाडु क्या यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये प्रश्न को काउंट किया जाएगा ठीक अगला प्रश्न सितंबर में एक प्रेस विज्ञप्त के अनुसार विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय अब बताइए क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तीन सौ परसेंट यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में से एक है क्या है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा याद रखिएगा वर्ल्ड का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर यूपी में प्रोजेक्ट पंद्रह बी का तीसरा विध्वंसक युद्धपोत कौन सा है तो युद्धपोत इम्फाल ठीक इसकी क्या ये जो आ, स्टील्थ विध्वंसक फिफ्टीन बी श्रेणी जो प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी है ये क्या है तो मैं आपको बता दूं ये नौसेना का या पहला युद्धपोत है जिसे महिला अधिकारी नाविकों की तैनाती के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है कौन सा युद्धपोत इम्फाल ये किसके अंतर्गत है प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी इक्कीस अक्टूबर को किसने गगनयान के टेस्ट व्हीलर अबाउट मिशन का सफल परीक्षण किया इसरो ने किस वर्ष तक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है इसरो दो तक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में सोलर रूफ ट्राइकलिंग ट्रैक अगला क्या है सूचकांक है इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बुजुर्ग हो जाएगी 20 प्रतिशत अक्टूबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की पहली फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी गई चाइना उसका नाम क्या है ई एच दो एस ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है देश के पहले देखिए फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ जहाँ पहला, पहला 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 वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश के पहले जैव विविध्या अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क कहाँ है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश किस देश द्वारा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर तीन का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया तो ईरान ने किया सितंबर 2023 में किसने विकसित किस किया एंटी टैंक म्यू, म्यूनिशन विभव भारतीय सेना में शामिल किया गया तो डीआरडीओ ने बनाया है भार, चंद्रमा की सतह पर अपने चंद्र मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पांचवा देश जापान बना सितंबर 2023 हजार तेईस में भारत ने के पहले अपनी तरह के भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सितंबर में भारत ने भारत के अपनी तरह के भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर पहला पहला है ये बेंगलोर में किया गया किस देश द्वारा विश्व के पहले ए संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया भारत ने विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है इसरो ने किस प्रक्षेपण पर आदित्य एलवन मिशन लॉन्च किया तो पी एस एल वी सत्तावन से एक्सेल सूर्य के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन था ये ठीक है ना मेसर्स मच डॉक शिप बिल्डर्स महेंद्र गिरी युद्धपोत किसने याद रखिए एक सितंबर को किसके द्वारा बनाया हुआ युद्धपोत महेंद्र गिरी का जलावतरण जन्म उतारा गया तो वो मजडा डॉक मुंबई ठीक है ना अगला मुंबई में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप जब, जब जगदीप धनखड़ जी ने इसको आ, क्या किया जलावतरण किया अगला आ जाइए तेईस अगस्त को चंद्रयान त्री चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जिस स्थान पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की उस स्थान को किस नाम से जानते हैं शिव शक्ति पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 अगस्त को किसके द्वारा विकसित विश्व के पहले BS6 स्टेज 3 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया तो टोयोटा किरलॉसकर भारत में तेईस अगस्त को किस हल्के लड़ाकू विमान से अस्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया LCA तेजस याद रखिएगा LCA तेजस से अगस्त में ही किस देश ने मुजाहिर दस नाम के ड्रोन को लॉन्च किया ईरान ने अगस्त में ही भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग बना कहाँ पुणे 21 अगस्त को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र जी ने विकसित किसके द्वारा विकसित स्वदेशी पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर सी एस आई आर प्राइमर ई टी का शुभारंभ किया तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ठीक किस राज्य के मेटीकेला का जी आई टैग प्रवदान किया गया तो तमिलनाडु को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया चंद्र मिशन लूना पच्चीस देश का पहला थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन का बेंगलुरु क्या बताइए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक कमल कमल के फूल की नई प्रजाति का अनावरण सी एस आई आर राष्ट्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान लखनऊ इसमें दो प्रश्न आ सकता है किसने किया इसने किया राष्ट्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान है कहां लखनऊ में ये दोनों प्रश्न आ सकता है अगस्त 2023 में स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर द्वारा पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च की गई जिसका नाम है लॉन्च की गई जिसका नाम है प्रबल ठीक अगला प्रश्न क्या हो सकता है जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो है उन्नीस अगस्त का किसके द्वारा विकसित स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम एच का सफल परीक्षण किया गया तो डीआरडीओ ने किया अगस्त में ही केंद्रीय गृह एवं सरकारिया सरकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई गांधीधाम गुजरात में किसने भारतीय नौसेना के युद्धपोत आई एन को लॉन्च किया तो द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में लॉन्च किया ठीक ये प्रोजेक्ट सत्रह ए का पार्ट है ठीक ये भी इंपॉर्टेंट है अगस्त 2023 में भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल को लॉन्च किया मोस्ट इंपॉर्टेंट अगस्त में ही कहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को लंदन के प्रति वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया श्रीनगर कहाँ है जम्मू कश्मीर में इसे कहाँ के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पे है यही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठीक विश्व का पहला थ्री विश्व का पहला थ्री रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरकोटा से लॉन्च किया किया गया इसका नाम क्या है अग्निबाण इसे स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस स्पेस द्वारा बनाया गया है चेन्नई ठीक अगस्त में ही किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ तमिलनाडु में आईवीआर ट्रीटमेंट की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है गोवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से चल रहा है क्योंकि पहला पहला राज्य पहला देश पहला वो ठीक ये देखिए अगस्त 2023 में विश्व की पहली पीपीडी टैबलेट को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई अमेरिका को द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कृषि डेटा प्रबंधन फेरवर्क लॉन्च किया गया तो तेलंगाना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया से साथी पाओं के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? दो तक ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ठीक अगला अगस्त में ही रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किसको

विदेश के से भारतीयों के पार्थिव शरीर को लाने की उद्देश्य ई केयर पोर्टल संबंधित है ठीक 2023 अगस्त के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एम स्कैनर को लॉन्च किया गया तो जितेंद्र सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया ठीक है ना किसे लॉन्च किया गया है एम स्कैनर को लॉन्च किया गया है स्वदेशी रूप से विकसित ठीक है ना एन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल इसने लॉन्च किया है एनसीपीसीआर ने मासी पोर्टल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये अमेजोन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया डल झील पर अब बताइए क्या ये प्रश्न हल्के हैं नहीं यहीं से सारे प्रश्न आएंगे आप ये मान के चलिएगा कि ये जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ यहाँ से मैक्सिमम आएंगे आप ये भी मत परेशान होइएगा इस पूरी पी को मैं टॉपर्स कोड पर टॉपर्स कोड पर अपलोड करूँगा मैं बता दूँ टॉपर्स कोड को जब आप डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड कर लीजिए उसका फ्री मटेरियल एकदम सामने अब दिखता है उस फ्री मटेरियल पे हिंदी करंट अफेयर्स पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा इसके अलावा मैं आपको घटना सार घटना सार का दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स कल तक अपलोड कर दूंगा ठीक आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना तो तीन पीडीएफ कुल मिला के मैं अपलोड करूंगा कल की डेट में यह अपलोड होकर रेडी हो जाएगा उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ये मेरी बात याद रखिएगा ठीक है ना उसके अलावा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा और उन पी को अपलोड भी कर दूंगा तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना तो एक ये पी जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये इसके पहले जो पी वन लाइनर दी है वो और एक और पीडीएफ डी मैं अपलोड करूंगा घटना सार की बस और उसके अलावा आपको हिंदी वालों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना ना कहीं इधर उधर भटकना ठीक है ना तो टॉपर्स कोड को आज ही डाउनलोड कर लीजिए थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में ये था साइंस पे जितना वो था